नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गंज बासौदा ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र में तीसरी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा। वास्तविक भारत पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सरपंच अशोक कुशवाहा ने आज रैली निकालकर अपना नामांकन फॉर्म भरा। बड़ी संख्या में उनकी रैली में ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गंज बासौदा पहुँचे और नामांकन रैली में शामिल हुए। अशोक कुशवाहा के मैदान में आने से भाजपा की परेशानी बढ़ सकती है। ऐसा माना जाता है कि कुशवाहा समाज का वोट बैंक भाजपा का होता है। अशोक कुशवाहा के मैदान में आने से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। उतरे हैं और हम जवाब उनसे लेंगे, सवाल भी उनसे पूछेंगे कि पिछले 35 साल में आपने क्या किया। आप दो दो तीन तीन बार विधायक बन के बैठे हैं और उनसे हम पूछेंगे आपने कितनी बेरोजगारी आपने घटाई, आपने कितने क्राइम बंद किए, आज क्राइम की क्या की क्या वजह है कि आज बढ़ते ही जा रहे हैं। गोलीबारी चल रही, छीना छपटी चल रही है, ये क्राइम आम हो गया। और नशे की तो मैं अगर बात करूं तो बड़े बड़े जो नेता हैं वो खुद ही नशे में गिरफ्त हैं। तो इस प्रकार हम इन सब चीज़ों को जड़ से मिटाना चाहते हैं। गंज बासौदा की आवाज़ बनकर हम विधानसभा में गूंजना चाहते हैं। हम उन गरीब किसान मजदूर सभी वर्गों का साथ हमें चाहिए और सभी वर्गों का साथ लेकर हम इस गंज बासौदा विधानसभा को जीतेंगे, 100% जीत के बताएंगे। पार्टी के जो हमें एक स्थानीय दल की ज़रूरत है, जो दल यहीं के लोग मिलकर बनाए, हमारे आपके बीच के लोग बनाए, और मध्य प्रदेश का भाग्य जो है वो दिल्ली या बाहर के रहने वाले लोग नहीं बदल सकते, हम और आप बदल सकते हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर ये पार्टी बनी है। पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है कि हम 42 महीने में 3.5 साल में 25 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, मतलब औसतन हर ज़िले से लगभग 50,000 युवाओं को रोजगार देंगे। महिलाओं को रोजगार में हमारी प्राथमिकता रहेगी। हर ज़रूरतमंद परिवार से जहां महिला अकेली है या महिला के ऊपर ही पूरा परिवार आश्रित है, उस महिला को अनिवार्य तौर पर रोजगार देंगे। किसानों का खाद बीज पंचायतों के स्तर पर उपलब्ध होगा। रबी के सीजन में जो बिजली मिलती है वो दिन के समय मिलेगी। लगभग 50-60 सीटों पर, 50-60 सीटों पर चुनाव लड़के आप सरकार कैसे बना लेंगे, कैसे बेरोजगारी? मैंने ये दावा नहीं किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।